मैं राजेश कपूर आज आपके सामने एक नई सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूँ जिसका नाम है बिजनेस इनसाइड आउट। हमारी ये कोशिश रहेगी दोस्तों कि हम लोग बिजनेसेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में और बाहर भी, हम लोग उनके पीछे, पर्दे के पीछे की जानकारी आप तक लेकर आएँ। आपको ये बताने का मकसद है कि ये बिजनेसेस को कैरी करने का, इन बिजनेस के बिजनेस को चलाने का माइंडसेट किस प्रकार का होता है, जो इन बिजनेस हाउसेस को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं, वो किस तरह के माइंडसेट से जूझते हैं दिन में, रात में और हर समय। क्योंकि मकसद एक है दोस्तों, इस कंपटीशन के ज़माने में कुछ ऐसा करना जिससे कंपटीशन है भी या नहीं इसका फिक्र ही ना रहे। तो जानने की कोशिश करेंगे ऐसे बिजनेस के बारे में। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है ज्वेलरी। दिवाली आने वाली है, हम लोग कहीं डेफिनेटली कहीं ना कहीं परचेजिंग्स के लिए, ज्वेलरी की परचेजिंग्स के लिए बाहर जाएंगे, खरीदेंगे, एक फेस्टिव सा माहौल है और हम लोग जो है इस ज्वेलरी को इतना पसंद करते हैं भारत के अंदर कि एक इसके बगैर कोई त्यौहार शायद निकालना हमारे लिए नामुमकिन सा बन जाता है। इस ज्वेलरी के एपिसोड के अंदर मैं आपको कुछ खास धुरंधरों से मिलाने वाला हूँ। ज्वेलरी फील्ड में उनका बहुत ही बड़ा नाम है, लेकिन अपने पहले गेस्ट को मिलाने से पहले मैं उनका कुछ खास तौर पे इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस एवी के जरिए। दोस्तों, ये एवी के ज़रिए आपने जो देखा है वो देखा है एक ऐसी ज्वेलरी और ऐसी नायाब डिज़ाइंस जिसमें हीरे जड़े जी। ये अपने आप के अंदर ज्वेलरी बोलती है, लेकिन इन्हें बुलवाया है जिसने, मैं उनसे आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो के अंदर। थैंक यू अजय जी। आपने इतनी खूबसूरत डिज़ाइंस की लाइन लगा रखी है जी, जी। तो इसके पीछे कोई टीम वर्क है या आपका अपना कोई? जी देखिए, इसमें हमारी पूरी टीम है, लेकिन शुरुआत में जो स्टार्टिंग है वो मेरी वाइफ ने जो है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था और उन्होंने बेस्ट अवार्ड जीता था इसके अंदर। और इसके अलावा हमें 4 नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं ज्वेलरी के अंदर ही। और हमारी पूरी टीम है जो स्पेशलाइज डायमंड ज्वेलरी के ऊपर ही वर्क करती है। एंड इस इंडियन जो डिज़ाइंस है उसके साथ साथ जो वर्ल्ड वाइड जो डिज़ाइन चल रहे हैं हम उसके बारे में भी रिसर्च करते रहते हैं ताकि ये ज्वेलरी इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए। तो मतलब आपका जो है अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, आप कर रहे हैं एक्सपोर्ट? जी, हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और जो ज्वेलर्स मिडल ईस्ट के अंदर रेगुलर एग्जीबिट करते हैं उनको हम सप्लाई भी। तो सर, इंडिया में माइंडसेट का और बाहर मिडिल ईस्ट, तो खैर ज्वेलरी वो भी बहुत पसंद करते हैं जी, तो कितना फर्क है माइंडसेट का? माइंडसेट देखिए, बाहर जो ज्वेलरी लेते हैं वो एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते हैं, वो एज ए लग्जरी या एज ए एक समझिए कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से लेते हैं। लेकिन इंडिया में ज्वेलरी जो है फैशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं, तो ये माइंडसेट का फर्क है। तो जैसे सर, मैं देख रहा था कि आपकी ज्वेलरी डायमंड स्टडेड है बिल्कुल, और पर एक बहुत ही मिथ चली आ रही है, शायद आपके जरिए वो टूट जाए कि जब हम बेचने जाते हैं तो डायमंड का इतना भाव नहीं मिलता, सिर्फ सोने का भाव रह जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और मैं आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो एक बहुत बड़ी मिथ है कि नो डाउट गोल्ड जो है इट्स लाइक अ कैश, आप कभी भी उसको कभी भी जाके आप उसको कैश कर सकते हैं। लेकिन अब जो डायमंड ज्वेलरी है उसके अंदर भी एक पैरामीटर्स है, इंटरनेशनल रैपापोर्ट आती है, जो 1 कैरेट से ऊपर के जो पीसेस हैं वो IGI, GIA, HRD सर्टिफिकेशंस होते हैं जिसके पैरामीटर्स हैं, जिसके अंदर आपकी पेमेंट बिल्कुल सेफ रहती है। और आप उस सर्टिफाइड अगर ज्वेलरी को लेते हैं तो आप पूरे तरीके से सुरक्षित हैं,
और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि अगर हम किसी भी ज्वेलरी शॉप से परचेज करते हैं तो आप उस ज्वेलरी शॉप से ये पूछें कि जी आपकी बायबैक गारंटी क्या है। जी और बायबैक गारंटी कोई बोल देते हैं जी 10% काट के है, कोई 20% काट के है। आप उनसे बोलिए कि जी आप मुझे रिटर्न के अंदर दिखाइए कि आपकी क्या सिस्टम है। अगर वो रिटर्न में आपको चीज़ दिखा देता है तो आप समझ सकते हैं कि वो जेन्युइन है। तो मैंने सर देखा कि जैसे जड़ों, जैसे हम पोल की ज्वेलरी भी कहते हैं, जी तो वो भी मैंने कुछ सेट्स देखे। जी जी तो इसके अंदर मेरा ये मानना है कि गोल्ड के साथ साथ दूसरे मेटल्स भी मिले रहते हैं, जी और जब हम उसको कभी पिघलाते हैं, बेचने जाते हैं, तो गोल्ड का एक ज़रा सा अंश ही निकल के आता है। तो क्या ये चीज़ें अब आज की डेट में आप क्लियरली कस्टमर को जी बताते हैं? जी मैं आपको बताऊं कि जी अब तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए हैं कि हॉलमार्किंग ज्वेलरी है और उसमें HUID सर्टिफिकेशंस है जो कि अभी तक जड़ाऊ पोल की ज्वेलरी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सरकार जल्द ही उसके ऊपर कार्य कर रही है कि हम इस पे जो जड़ाऊ पोल की है ज्वेलरी है उसके अंदर भी HUID कोड को जनरेट किया जाए। इसमें आपने दो तरह की अभी ज्वेलरी देखी, एक तो आपने ओपन सेटिंग की जड़ाऊ ज्वेलरी देखी पोल की और एक आपने देखा जिसमें पीछे लाख भरी हुई है। तो जो लाख भरी हुई ज्वेलरी है ये कई हाथों से निकलती है, तो इसके अंदर चांसेस होते हैं कि अंदर की तरफ इनप्योरिटी हो, जो अच्छा, आपने बोला दूसरे मेटल। लेकिन जो ओपन सेटिंग की जो पोल की है ज्वेलरी है, आप इसको ले, इसके अंदर पूरी डिटेलिंग है, गोल्ड की पूरी शुद्धता मिलेगी और आपको पूरे डायमंड मिलेगा कि भी कितना लिखा हुआ है। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक है, लोगों की अपनी अपनी लाइकिंग है कि वो क्या जी। लेना चाहते हैं। मैंने सभी से पूछा जो हमारे पहले गेस्ट आए। दिवाली आने वाली है और ये एपिसोड भी कहीं नज़दीक में ही रिलीज होने वाला है, जी तो सर दिवाली के लिए हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पे क्या तोहफा लेके आए? देखिए, मैं अपने शोरूम के लिए बताना चाहूँगा कि जी हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हैं और बहुत ही उम्दा दर्जा की डायमंड की क्वालिटी यूज़ करते हैं, गोल्ड की पूरी शुद्धता है और लाइफ टाइम हम लोग जो भी आपको देंगे गारंटी के साथ आप कभी भी उसको वापस कर सकते हैं। बिल्कुल आप बेझिझक हीरा परचेज कर सकते हैं बाय बाय गारंटी के साथ। क्या बात है। और मैंने आज आपको अपने इस शो के अंदर तीन ऐसे ही हीरो से मिलवाया है जो कि अपने अपनी फील्ड के महारथी तो हैं ही, लेकिन साथ ही में एक ऐसे अच्छे बिजनेसमैन हैं जो जानते हैं कि अपनी गुडविल को कैसे मेंटेन करना है और क्रिएट भी करना है। तो दोस्तों, मैं ये दावे से कह सकता हूँ इस एपिसोड के ज़रिए आज आपने ज्वेलरी के अंदर की बातों को कुछ समझा होगा। ऐसे ही इनसाइड आउट स्टोरीज के साथ में मैं आपसे हर हफ्ते मिलने वाला हूँ इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखते रहिए हमारा शो बिजनेस इनसाइड आउट। थैंक यू।